तेलंगाना प्रवासी समाज के मंच से तेलंगाना राज्य में बसने वाले हर प्रवासी को मैं न्योता देता हूं कि आप तेलंगाना प्रवासी समाज के मंच के साथ में अपनी सबकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप इस संस्था के साथ जुड़े, चाहे आप हैदराबाद में प्रवास करते हैं, चाहे आप आदिलाबाद में प्रवास करते हैं, चाहे वरंगल में प्रवास करते हैं, चाहे महबूबनगर में प्रवास करते हैं, चाहे मंचिरियाल में प्रवास करते हैं या चाहे भूपालपल्ली में प्रवास करते हैं। मैं राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में देश के विभिन्न कोनों से, कश्मीर के कुपवाड़ा से कन्याकुमारी के नागरकोइल तक और कच्छ से आसाम की भूमि तक, जिस किसी प्रांत से जहाँ के भी लोग इस तेलंगाना राज्य में बसे हैं, उन सब से आह्वान करता हूँ, उन सबको निमंत्रण देता हूँ कि आइए आइए और हम सब जुड़कर इस तेलंगाना प्रवास समाज, इस संगठन को मजबूत करें, इस संगठन के तहत न केवल अपना विकास करें बल्कि इस राज्य का भी विकास करें, और इस राज्य की जो विकास की दर में कोई रुकावट आए तो हम सबके प्रयत्न से हमारी ये कर्णभूमि स्वर्ण भूमि में तब्दील हो जाए, हम ऐसा प्रयास करें। इसके लिए मैं सबसे आह्वान करता हूं कि आइए और संस्था के साथ जुड़िए। आज ये छोटा सा एक प्रयास, एक जागरूक लोगों का प्रयास, एक 250-300 लोगों का प्रयास, एक कर्मठ जागरूक लोगों के प्रयास के तहत वह दिन दूर नहीं जब 31 दिसंबर 2023 से पहले इस संस्था के 50,000 से ज्यादा सदस्य होंगे और शीघ्र हमारा टारगेट जो है 5 लाख सदस्यों को इस एक वर्ष के अंदर इस संस्था के साथ में जोड़ने का रखा है। संस्था देश प्रेम से ओतप्रोत है, राष्ट्रवाद हमारा मुख्य उद्देश्य है, प्राणियों से प्रेम तो सभी करते हैं, हम इंसानों से प्रेम करने की भाषा बात करते हैं। आइए इंसानों से प्रेम कीजिए, आइए अपनी सामाजिक सुरक्षा के प्रति, आइए अपने सोशल एम्पावरमेंट के प्रति, आइए अपने स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं के प्रति, आइए अपने स्वाभिमान के प्रति, आइए और अपने प्रेम के प्रति सब संगठित होकर अपने उत्सव मनाएं, अपनी संस्कृति की रक्षा करें और न केवल इस राज्य की उन्नति के लिए अगर कोई बाधक हो, इस देश की उन्नति में भी अगर कोई बाधक बनने का प्रयास करे तो उसको मुंहतोड़ जवाब दे। यही मैं अब तेलंगाना प्रवासी समाज के और इस देश के सभी प्रवासियों से यही विनती करता हूँ। देशभर में विद्या प्रवासी समाज का मूल उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, सोशल एम्पावरमेंट है। हर समाज सक्षम है, समाज में बहुत सारी संस्थाएं जो एजुकेशन के प्रति कार्य कर रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं जो अनुदान के प्रति कार्य कर रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं जो मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद बनाती हैं, वो सब संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। ये संस्था उन कार्यों में सहयोग तो देगी लेकिन ये संस्था का मूल उद्देश्य जो है वो कार्य के प्रति समर्पित नहीं है। ये संस्था मानवता के प्रति समर्पित है, ये संस्था मानवता के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित है। ये संस्था का उद्देश्य जो है सामाजिक और लोकल संस्थाओं से थोड़ा सा भिन्न है। कोई पार्टी से मिलकर तो ये संस्था पूरी तरीके से सामाजिक रहेगी। इस संस्था न तो किसी पार्टी विशेष का समर्थन करेगी और न ही किसी पार्टी विशेष का विरोध करेगी। जो पार्टी इस राज्य की उन्नति में, जो पार्टी इस देश की उन्नति में, जो पार्टी हमारे आत्मसम्मान को विदेशों में कायम करने में सक्षम होगी, हम उस कर्मठ पार्टी का सहयोग करेंगे। एक अच्छे लोगों को लेकर लाखों की संख्या में, जिससे आपको ये मालूम ही है आज के जमाने में एक दो 100 आदमी रहे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर उसके लाखों सदस्य बन जाते हैं तो उनकी बात हर आदमी सुनने को तैयार हो जाता। तो हमारा मकसद है सब मिलके लाखों की संख्या में होके हम ऐसा काम करें कि हमारे जो संस्था है, हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे जो मेंबर है, उनको कोई किसी बात की तकलीफ ना हो, उसको रोजगार मिले, उसको स्वास्थ्य मिले, उसको सोशल गारंटी मिले और सबसे बड़ी उसको प्रोटेक्शन दे और एजुकेशन दे। इसलिए ये संस्था का गठन। शर्मा जी, आप सालों से समाज की खिदमत करते आए हैं, अब एक नई यानी समाज बनने से आपको मैं नो डाउट, मेरी उम्र 79 ईयर्स है, मैं आदिगोड़ लघु समाज का 35 साल से प्रेसिडेंट हूँ। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वो पर्टिकुलर एक समाज के लेवल पर जा रहे, एक मेरा जो
अब तक का रोल है, मैं ब्राह्मणों के लिए काम करता था। हमारे महेश भाई है, हमारे रमेश कुमार बंग साहब है यहाँ पर, वो महेश्वरी समाज के हद तक दूसरे लोगों को बढ़ावा देने के लिए आए थे। तो ये तेलंगाना पड़ोसी समाज में हर किस्म के लोग जो बाहर से आए हुए हैं, जिनको कोई मदद नहीं मिलती, कोई किसी की किस्म की हेल्प नहीं मिलती, उसके लिए समाज का गठन किया है। जो यूनिटी है लेकिन डाइवर्सिटी नहीं है। यूनिटी डाइवर्सिटी मीन्स टोटल समाज अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो हम लोग इतने स्ट्रोंग हो जाएंगे भाई, हमको ये फील होगा भाई यहाँ हम तेलंगाना में नहीं रह रहे, हम मतलब समझ लीजिए अपने घर में रह रहे हैं। ये सब चीज देखते हुए हम लोगों ने एक ही ध्येय रखा, टोटल समाज इन हैदराबाद एंड इन तेलंगाना दे शुड कम इन अंडर वन प्लेटफॉर्म। आफ्टर वी आर सक्सेसफुल इट विल एक्सटेंड टू ऑल ओवर इंडिया, दैट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, बट लेकिन एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, महेश्वरी समाज है जिसके श्री रमेश जी बंग बैठे हैं यहाँ पर चेयरमैन ऑफ एपी महेश बैंक एंड और भी, मैं संस्था का आप नाम लीजिए ना बता देता हूँ हमारे समाज के कौन है यहाँ पर। हर समाज के आदमी है, अपने आप में एक इतनी स्ट्रेंथ है, अगर हम लोग साथ मिल जाएं तो मेरे ख्याल में भगवान मालिक है दूसरे आदमी का, जो हमारे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं खाने तो परवाह नहीं, हमको इमीडिएट डैम कह रही। तो ये हमारे इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये तेलंगाना प्रवासी समाज बनाया है। इसके सारे सब समाज इसके मेंबर रहेंगे, एसोसिएट मेंबर भी रखेंगे, समाज चलाने के लिए जो पैसा रहेगा जो एसोसिएट मेंबर देंगे, या फिर हर कम जो आदमी लाख मेंबर हम सोच रहे हैं उसके उसको मेंबर बनाएंगे, उसको 100 रुपये में मेंबर बनाएंगे या 50 में बनाएंगे, उसको कार्ड भी देंगे, तो वो कार्ड विल बी वैलिड फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द समाज। जैसे एक कार्ड दे दिया आपको, आइडेंटिटी कार्ड है, आप हमारे समाज के किसी मेंबर के घर में जाओ, जैसे रोटरी क्लब में वो बैनर लगता है ना स्टिकर्स, इसी तरह स्टिकर्स